हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे उसे खाने के बाद आपको समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी भी फीके लगने लगेंगे। घर पर ही रखे सामान से आज हम बहुत ही ज़्यादा चटपटा और कुरकुरा नाश्ता शेयर करेंगे। अब जब भी कभी आपका कुछ चटपटा और मज़ेदार खाने का मन करे तो सिर्फ 5 मिनट में आप इस नाश्ते की रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए तो फटाफट से बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 कप हम गेहूं का आटा लेंगे और इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे। तो हाथों से रगड़कर अजवाइन को डाल देते हैं। साथ में डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक, 2 चम्मच तेल डालेंगे। तो सरसों का तेल छोड़कर कोई भी तेल आप इसमें डाल सकते हैं, आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। जैसा रोटी का डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही डो हम इसका भी लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, डो हमारा बनकर तैयार हो गया और इसे हाथों से मसलकर अच्छे से चिकना कर लेंगे और इसको 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर रख देंगे। तब तक एक स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ मीडियम साइज के 3 उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को छीलकर हमने ठंडा कर लिया है। ठंडा आलू ही आप इस रेसिपी में यूज़ करिएगा और इन्हें ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं, पर आलूओं में कोई भी पीस नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, सारा आलू हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा प्याज बारीक चॉप किया हुआ, और अब इसमें डालेंगे 1 टमाटर। इसके बीज हमने निकाल लिए हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा कम खाते हो तो लाल मिर्च आप कम डालिएगा। 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, जिससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप ग्रेट करके अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे, अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा। हाथों से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये लीजिए, एक चटपटी सी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। आप इसमें कोई और भी सब्जी डालना चाहें तो बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। तो अब आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो आटे को रखे 15 मिनट हो गए हैं। एक बार वापस से आटे को अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे और उसके बाद इसका नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो 2 भाग में आटे को हम बांट लेते हैं और इसकी एक बड़ी सी लोई बनाएंगे। और चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेते हैं और इसको रोटी की तरह पतला बेल लेंगे। तो चलिए फटाफट से पहले इसको बेल लेंगे। ज़्यादा मोटा इसको नहीं बेलेंगे, जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही, उतना ही पतला हमें इसे रखना है। तो ये देखिए, चकले के साइज़ की ही हमने रोटी बनाकर तैयार कर ली और इसे हमने पतला ही रखा है, ये देखिए। तो अब इस पर हम लगाएंगे 1 चम्मच टमाटो सॉस। आप चाहें तो इस पर सेजवान चटनी, हरी धनिया की चटनी, म्योनीस, जो भी आपको पसंद है वो आप पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लीजिए। इस नाश्ते के साथ अलग से आपको चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो स्टफिंग तैयार की थी उसको हम इस पर रख लेंगे और बिल्कुल पतला पतला इसे फैला लेंगे। हाथों से ही अच्छे से फैला लेते हैं। तो ये देखिए, हाथों से ही इसे अच्छे से हमने पूरी रोटी पर पतला पतला फैला लिया है। तो अब इसको हम करेंगे फोल्ड। तो ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार इसको फिर से फोल्ड कर देंगे, अच्छे से दबाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो पूरी रोटी को हमने 3 भाग में फोल्ड कर दिया है। हल्का सा इसको अब हम बेल लेंगे। तो चकला थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो यहाँ पर हमने चॉपिंग बोर्ड लिया है, उस पर नाश्ते को रखेंगे और बेलन से हल्का सा बेल लेंगे, जिससे ये पतला हो जाएगा और जब इसको हम तलेंगे तो बहुत ही नाश्ता क्रिस्पी बनेगा। तो साइड के पार्ट को अब हम निकाल देते हैं और 1.5 इंच के तकरीबन के हम इसके पीस कर लेते हैं। बहुत आसानी से पीस हो जाते हैं। तो ये देखिए, पूरे नाश्ते के हमने पीस कर लिए हैं। साइड के पार्ट को इधर से भी हम निकाल देते हैं। अब हम आपको उठाकर दिखाते हैं। तो ये देखिए, कितना बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो बाकी का नाश्ता भी बिल्कुल इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पर 4 चम्मच हमने मैदा लिया है, इसमें चुटकी भर हम नमक डालेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल को ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे। तो ये देखिए, मैदे का घोल बनकर तैयार है और इसे थोड़ा सा हमने गाढ़ा ही रखा है। अब नाश्ते को मैदे के घोल में डिप करेंगे और
गरम तेल में डालते जाएंगे। तो तेल गरम होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था। एक एक करके नाश्ते को डालते जाएंगे। मैदे के घोल में जब नाश्ते को डिप करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो एक बार में जितना नाश्ता आता है उतना नाश्ता हम डाल देते हैं। गैस की फ्लेम कर देंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर इनको उलट पलट करते हुए बढ़िया गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बहुत कम तेल में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है। तो एक से दो बार इन्हें और उलट पलट करते हुए सेक लेते हैं। तो ये लीजिए नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो गया। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा इन्हें तिरछा कर लेंगे जिससे एक्स्ट्रा तेल पैन में ही निकल जाए, और एक प्लेट में इनको निकालते जाएंगे। तो इसी तरह से बाकी का नाश्ता भी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो फटाफट से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, और घर के ही सामान से ये चटपटा सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में, शाम की चाय के साथ, बच्चों को लंच बॉक्स में या सफ़र में भी ले जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है ये, और इसके साथ आपको अलग से चटनी सॉस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से ही हमने इसमें सॉस का यूज़ किया है। तो कैसी लगी आज की आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही नई मज़ेदार और चटपटी रेसिपी के साथ हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।